गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर बरसात का पानी लग जाने के कारण पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। वाहन चालक पूरी रिस्क उठाते हुए अपने वाहनों को किसी प्रकार सड़क पार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोगों की गाड़ी बंद भी हो जा रही है और कुछ लोग अपने वाहन को मोड़कर वापस चले जा रहे हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर और देवरिया को जोड़ने वाला यह राजमार्ग सिंघाड़िया से इंजीनियरिंग कॉलेज तक प्रभावित है। इन दिनों दिन में तो लोग किसी तरह पानी को पार कर ले रहे हैं, लेकिन रात्रि में स्थिति और भयावह हो जा रही है और दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहगीरों ने कहा, गोरखपुर देवरिया राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये कई रास्ता है कि यहाँ से लोग देवरिया के लिए जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जो भी जाता है सब लोग घूम के जाना पड़ता है और यहाँ पे लगातार 4-5 दिनों से पानी लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किस चीज लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, खुद ये सड़क नहीं, ये तालाब नज़र आ रहा है। इस तरह तालाब का शक्ल ले लिया है, चारों तरफ इधर देखिए जलकुंभी भी है, जलकुंभी भी है और साइड में, और काफ़ी दिनों से नगर निगम द्वारा इस पे लोग शिकायत भी करते हैं कि सड़क को बनवा दिया जाए और हर वर्ष यही हाल होता है, हर साल की स्थिति है। 5 दिन से लगातार पानी बरसा हुआ है, अगल बगल देखिए दुकानों में भी पानी घुस गया है। काफ़ी लोगों को मुश्किल का सामना उठा रहे हैं, कर रहे हैं लोग। यहाँ देखिए ठेला वाला किस तरह से अपने ठेले को लेकर के यहाँ आ रहा है और काफ़ी लोग तो वहीं से मुड़ जा रहा है जिसको नहीं इधर आना है। और एक रास्ता और है, 10 किलोमीटर कम से कम घूम के जाना पड़ता है और जैसे पानी लोग देख रहे हैं गाड़ी को घुमा ले रहे हैं अपने और काफ़ी धक्का भी देनी पड़ी है गाड़ियों को निकालने के लिए। यहाँ देखिए आप उस गाड़ी को लोग धक्का दे करके बाहर कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ी आ रही है, लग रहा है कि नदी में गाड़ी चल रही है, तालाब निकल ये इसी तरह लेकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बाहर निकल रहे हैं और ये निकल रही है। मेरा नाम सुगम। कैसे लगा? अरे बहुत पानी है, कचरा घुस जा रहा है गाड़ी में, इसलेटर लेना पड़ा है बहुत ज्यादा। कितने लोग की गाड़ियाँ बंद हो गई है, बहुत ज्यादा रिक्शा है।
हाँ दुर्घटना हो, कितने लोग की गाड़ी बंद हो चुकी है, इंजन खराब हो जा रहा है गाड़ियों का। मेरा नाम दीपक है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, फोर व्हीलर आ रही है, पता नहीं कब मार दे, कहाँ चले जाए, अगर बगल में गढ़ा है, बताइए क्या होगा अगर चोट लग जाएगी हमको। देख रही है कितना तेज जा रही है, फोर व्हीलर जो है पूरा डूब जा रही है आधा से ऊपर, कोई भी इंसान जा रहा है उसको दिक्कत हो रहा है आने में, हम भी बच गए हैं गिरने से, बताइए इसको जिम्मेदार मांगना है इस तरह की। अब जिम्मेदारी किसको माने, अब सब सब जगह का सड़क सही करवा रहे हैं, विकास हो रहा है गोरखपुर में, तो ये भी एक देखे ना कहाँ विकास हो रहा है, बताइए ये भी चीज देखना चाहिए ना। रमेश चंद शर्मा, बताइए क्या फायदा है गोरखपुर में। अरे भाई पूरी रिस्क है, 18 लाख की गाड़ी जाएगी, जान अलग जाएगी, बताइए क्या कीमत है हम लोगों की। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, PWD भी जिम्मेदार है, हर साल यहाँ पानी इकट्ठा होता है फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, पब्लिक के साथ खाली खिलवाड़ है।